नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर और आज हम लोग कर्नाटका से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो कर्नाटका फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल टू कम अप इन मंगलुरु। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ये कर्नाटका का एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल जो आ रहा है वो मंगलुरु में आ रहा है। थोड़ी सी फैक्चुअल डिस्कशन जरूर रहेगी लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। हम लोग यहाँ पे एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज से विल गो बैक टू द बेसिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी रन। यहाँ पे कर्नाटका पीएससी का भी प्रोग्राम है। जस्ट विजिट studyiq.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिंगापुर बेस्ड एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ, जहां पे वो एक कर्नाटका का पहला एलएनजी टर्मिनल बनाएंगे मंगलुरु में। राइट, मंगलुरु आता है कर्नाटका में। यहाँ पे वी डू नो दिस इज द इंडिया मैप, दिस कर्नाटका, कर्नाटका के कोस्ट पे आता है, दक्षिण कन्नड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे आता है आपको मंगलुरु। इनफैक्ट मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ा आई वुड से आर क्वाइट सेम। राइट, अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर क्लिक हो रही होगी, सर ये मंगलुरु या फिर मैंगलोर जो है, मैंने इसका नाम कहीं और भी सुना है, नॉट फॉर द एलएनजी टर्मिनल। अभी तो एलएनजी टर्मिनल आ रहा है लेकिन मैंने इसके बारे में कहीं और भी सुना है। राइट, हैव यू हर्ड ऑफ इट बिफोर? ऑब्वियसली यस, बिकॉज देर इज अ बिग बिग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दैट इज इन मंगलुरु ऑल्सो। क्योंकि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, एक मंगलुरु में है, एक पाडूर में है, मंगलुरु पाडूर काफी करीब है, और एक है वाइजैग में। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी प्लांट है। एक और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बन रहा है वो भी पाडूर में है। इसके अलावा एक और चंदीकोल में बन रहा है जिसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट थिंग्स, कि पहले भी मैंने मंगलुरु के बारे में सुना है, वहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और अभी वहाँ पे एक एलएनजी टर्मिनल भी आने वाला है। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल रहेगा वो कर्नाटका का। यहाँ पे इट वुड बी सेट अप इन कोलैबोरेशन विद द मेजर पोर्ट। मंगलुरु में एक पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये बिल्ड किया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ये कहा है कि दे विल इन्वेस्ट 2250 करोड़ रुपीज टू सेटअप दिस पर्टिकुलर टर्मिनल, और इसके लिए उन्होंने साइन किया है एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एलएनजी अलायंस, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। दिस इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी विच वर्क्स टूवर्ड्स एलएनजी, एलएनजी अलायंस। बहुत सारे दूसरे देशों में भी ये काम कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 200 पीपल इन कर्नाटका। इनफैक्ट ये जो एलएनजी टर्मिनल होगा, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू बूस्ट ऑल्टरनेटिव फ्यूल मार्केट। क्योंकि इंडिया ने INDC दी हुई है, इंडिया ने प्लेज किया हुआ है कार्बन न्यूट्रलिटी का, सो वी विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070 कहा है। तो इस टारगेट को अचीव करने में ये एलएनजी टर्मिनल भी मदद करेगा। राइट, तो आशा करते हैं कि इसके ऊपर काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए एंड दिस टर्मिनल इज बिल्ट वेरी वेरी सून। बट अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि दूसरे एलएनजी टर्मिनल्स कहाँ पे हैं। इंडिया में देखिए अभी बन रहा है एक मंगलुरु में, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की वेबसाइट पे चले जाए आपको पता चलेगा एलएनजी टर्मिनल्स इंडिया में दाहेज में भी है, हजीरा में है, धाबोल में है, कोची में है और एनोर में है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रॉम द MCQ पर्सपेक्टिव, तो कहाँ कहाँ एलएनजी टर्मिनल्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर एलएनजी टर्मिनल आपने बोल दिया, तो ये एलएनजी टर्मिनल क्या है? व्हाट इज दिस एलएनजी टर्मिनल एग्जैक्टली? एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इसका जो टर्मिनल बनेगा तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी रहेगी फॉर अनलोडिंग द कार्गो फ्रॉम एलएनजी टैंकर्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर्स। अब देखिए ये किस लिए बनाया जाता है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम लोग समझते हैं व्हाई एग्जैक्टली वी नीड अ टर्मिनल। अब एक जगह आपको लिक्विफैक्शन टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, और ये जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इट इज एक्सट्रैक्टेड एज नेचुरल गैस। करेक्ट, तो जो भी कंपनी होगी देश होगा जो हमें भेज रहा है, ये जो एलएनजी भेज रहा है, तो उनके यहाँ पे एक लिक्विफैक्शन टर्मिनल चाहिए। और लिक्विफैक्शन टर्मिनल अगर हम लोग पोर्ट से भेज रहे हैं तो पोर्ट के आसपास ही होना चाहिए, कि एक जगह से आप नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करोगे, उस नेचुरल गैस को आप लिक्विफाई कर रहे हो, यानी कि उसे एक लिक्विड स्टेट में ला रहे हो, और फिर उसको स्टोरेज टैंक में भरोगे, स्टोरेज टैंक्स को आप भेजोगे शिप से, और ये आएगा इंडिया। और अभी यहाँ पे मंगलुरु में, मंगलुरु पोर्ट जो है वहाँ पे ये पहुँचेगा। राइट, एग्जैक्टली इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, क्योंकि देखिए
ये एक गैस से हम लोग लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड बना के इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिक्विड बन के आएगा, इसको स्टोरेज करेंगे, इसको रीगैसीफाई करेंगे, वापस हम लोग इसको गैस बनाएंगे, वापस हम लोग कंप्रेशन स्टेशन को भेजेंगे और इवेंचुअली कंज्यूमर्स को हम लोग भेजेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर इतना ये लोग प्रोसेस क्यों कर रहे हो? देखिए, गैस के लिए ट्रांसपोर्ट कराना है तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपको गैस पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। गैस पाइपलाइन इज द ईजिएस्ट एंड द बेस्ट सोल्यूशन, बट अगेन इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली सोल्यूशन। अगर कोई देश है, से कंट्री एक्स है, वहाँ से मैं अपने यहाँ पे पाइपलाइन बनाऊँगा तो पैसा कौन लगाएगा, राइट? बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है। तो इसीलिए LNG बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इजीली टर्मिनल पे आएगा, उस टर्मिनल पे वापस इसको गैस बनाया जाता है ताकि वो कंज्यूमर्स तक पहुंचे। इसीलिए हमें एक टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है और इस टर्मिनल पे अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि अनलोडिंग करनी है उस LNG सिलेंडर की, फिर उसको स्टोर करना है एक जगह पे, फिर उसको वापस गैस बनाना है, फिर उसको अगर कंप्रेस करना है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, फिर उसकी मीटरिंग करनी है और बाद में कंज्यूमर्स को भेजना है। तो इसीलिए टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो LNG टर्मिनल के बारे में समझ गए। अब एग्जैक्टली समझते हैं LNG क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसलिए मैंने कहा कि टॉप डाउन डिस्कशन होने वाला है कि हम लोग धीरे धीरे बेसिक्स तक पहुंचेंगे। LNG क्या है? लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड स्टेट में, NG मतलब नेचुरल गैस। ये एक क्लियर कलरलेस नॉन टॉक्सिक लिक्विड होता है। नेचुरल गैस है मतलब मेजॉरिटेरियनली आपको यहाँ पे मीथेन होता है, थोड़े प्रपोर्शन में आपको इथेन भी मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी इट इज मीथेन। और इसको जब हम लोग कूल करेंगे टू -160 डिग्री तो ये लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग लिक्विड बनाया उसका वॉल्यूम ही श्रिंक हो गया। देखिए गैस इतना ज़्यादा है, जैसे ही मैंने उसको लिक्विड बनाया तो उसको मैं कंटेनर में स्टोर कर दूंगा, राइट? तो जैसे ही मैंने उसको स्टोर कर दिया तो उसको मैं ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकता हूँ। सो इन अ लिक्विड स्टेट LNG विल नॉट इग्नाइट ऑल्सो, इसको भी आपको ध्यान रखना है, लिक्विड स्टेट में इग्नाइट भी नहीं होगा, तो काफ़ी सेफ भी है इसको ट्रांसपोर्ट कराना। और जब भी LNG अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, मैंने आपको बताया उस टर्मिनल पे उसको रीगैसीफाई करेंगे, रीगैसीफाई करने के बाद मीटरिंग होगी, आगे पाइपलाइन लगाया जाएगा और घरों को हो, बिजनेसेस को हो, इंडस्ट्रीज को हो, उनको भेजा जाएगा वेर एवर इट इज़ यूज्ड। और LNG इट हैज़ बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव, इट इज़ अ कॉस्ट कॉम्पिटेटिव क्लीनर ट्रांसपोर्ट फ्यूल। अब क्लीनर क्यों है ये हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मीथेन है तो सिंपल कंपोनेंट्स बनते हैं, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनती हैं, सो इट्स अ क्लीनर फ्यूल। और LNG इज मेजॉरिटेरियनली यूज फॉर हैवी ड्यूटी रोड ट्रांसपोर्ट, काफ़ी फेमस बन चुका है ये। क्यों? देखिए, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी है, LNG तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक और हम लोग CNG भी सुन चुके हैं, CNG प्रोडोमिनेटली व्हीकल्स में वगैरह लग चुका है, LPG तो हम लोग जानते ही हैं, LPG हम लोग घरों पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये LNG और CNG क्या है? देखिए, सबसे पहले चीज़, LNG लिक्विड फॉर्म में है, CNG कंप्रेस्ड गैस फॉर्म में ही, और LPG तो अलग ही चीज़ है। LPG में आपको ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जो आप घर पे सिलेंडर यूज़ करते हो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और जो नेचुरल गैस होता है वो मीथेन होता है। बट लिक्विफाइड में वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको, वापस हम लोग चाहिए तो CNG में बना सकते हैं। तो LNG एक फ्रोजन फॉर्म ऑफ मीथेन है, CNG कंप्रेस फॉर्म ऑफ मीथेन है। अब देखिए, LNG कम स्टोरेज स्पेस लेता है और साथ ही साथ उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इट इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू डीजल, ये कहा जाता है। इसीलिए LNG इज प्रेडोमिनेंटली यूज इन दी डीजल व्हीकल्स फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, आजकल काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, LNG का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि मीथेन, CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगेन मीथेन इट्सेल्फ, देर इज LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हाइड्रोकार्बन है, दिस इज ब्यूटेन और प्रोपेन मेजॉरिटेनली, बट नेचुरल गैस इज मीथेन, दैट इज वाई इट इज क्लीनर फ्यूल, राइट? सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। एंड प्लीज रिमेंबर, जब LNG आएगा, LNG को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू CNG। तो अगर हम लोग कॉस्ट वाइज बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगा LPG का, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं LPG का हाईएस्ट कॉस्ट होगा, उसके बाद बीच में आता है LNG, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग करनी है, और सबसे कम में आता है आपको CNG। बट अगर हमें नेचुरल गैस ही चाहिए तो उसको नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट भी तो कराना है, तो इट इज ट्रांसपोर्टेड एज LNG, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑल्सो लेटर थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, राइट? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।